दोस्तों, हिंदू धर्म में जिस प्रकार सभी देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं, उसी प्रकार सभी के अलग अलग वाहन भी हैं। क्या आप जानते हैं कि किस देवी देवता का वाहन है सबसे शक्तिशाली? नहीं जानते तो आज हम बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस देवी देवता का सबसे शक्तिशाली है वाहन। हिंदू धर्म के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। दोस्तों, हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथ अनेक रहस्य से भरे पड़े हैं। उनमें से एक रहस्य है कि कौन से देवता को कौन सा वाहन मिला हुआ है और किसका वाहन श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि इन देवताओं में से एक देवता का तो वाहन हनुमान जी के जितना शक्तिशाली है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को माना जाता है। जैसे इनके कार्य, उनके रूप और निवास स्थान अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार इन सभी देवी देवताओं के वाहन भी अलग अलग हैं। और ऐसा क्यों है? क्यों इन सभी देवी देवताओं ने अलग अलग तरह के सभी पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया है? और आखिर इन सभी देवी देवताओं में किस देवी देवता का सबसे शक्तिशाली वाहन माना जाता है? सबसे पहले बात करेंगे महादेव के वाहन नंदी की, जो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। फिर भी वह शांत और सहनशील हैं। माना जाता है कि पुराणों में बहुत समय पहले शिलाद नामक एक ऋषि हुए थे, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या की और तपस्या फल स्वरूप उन्हें महादेव ने नंदी नामक एक पुत्र दिया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। जो महादेव ने उन्हें पुत्र दिया वह अल्पायु था और इसके बारे में उन्हें स्वयं विष्णु जी से पता चला। और जब उन्हें यह पता चला तो उनके पिता शिलाद और स्वयं नंदी को बहुत दुख हुआ। यह सुनकर स्वयं नंदी एक नदी के किनारे जाकर महादेव की घोर तपस्या करने लगे और महादेव को प्रसन्न करके हमेशा उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा। इसीलिए महादेव ने उन्हें बेल का स्वरूप दिया और अपना वाहन नंदी बना लिया, जो कि विश्व जाति के हैं। जिस तरह से गायों में कामधेनु गाय की पूजा होती है, उसी तरह से बैलों में विश्व यानी कि नंदी जी को श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी सभी मोह माया से भौतिक जीवन से दूर रहकर महादेव की सेवा में लगे रहते हैं और स्वच्छ और पवित्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं। दरअसल कहते हैं कि नंदी के चार पैर ही हिंदू धर्म के चार स्तंभ हैं, दया, क्षमा, दान और तप। और नंदी जी की शक्ति की बात अगर की जाए तो जब भी उन्हें क्रोध आता है तो वह स्वयं से भी अधिक शक्तिशाली देवताओं से भी भिड़ जाते हैं। अपने काल में उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं से युद्ध किया, जहां पर उन्होंने हनुमान जी से भी युद्ध किया था। अब बात करते हैं माता दुर्गा के सबसे शक्तिशाली वाहन शेर की। एक बार जब मजाक मजाक में महादेव ने माता पार्वती को काली कह दिया और माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर माता पार्वती ने कैलाश छोड़कर तपस्या करने चली गई। जब वह तपस्या कर रही थी तो वहां जंगल में उन्हें खाने की इच्छा से एक भूखा शेर वहीं पर आकर बैठ गया। और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गोरी हुई, उसके बाद उन्होंने नदी में स्नान किया। बाद में उन्होंने देखा कि वह शेर भी उनके साथ अनेकों वर्षों से वहीं भूखा प्यासा बैठा था। इसीलिए प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे अपना वाहन बनाया। देवी भागवत के अनुसार यह परिवार को एक जोड़कर रखता है। और शेर इतना शक्तिशाली और खतरनाक है जिसके एक दहाड़ से पूरे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपने लगते हैं। और माता पार्वती का शेर जब भी गरजता है तो वह भयानक असुरों और राक्षसों का वध करने की भी क्षमता रखता है। युद्ध क्षेत्र में जब माता पार्वती ने शेर को भेजा तो उसने महिषासुर के बहुत सारे असुरों का अकेले ही सफाया कर दिया था।
अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जिनके वाहन रूप में गरुड़ को माना जाता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या करके उनका वाहन बनने का वरदान मांगा था। भागवत गीता के अनुसार जिस तरह से भगवान विष्णु सभी तरह की शक्तियों से संपूर्ण हैं, उस तरह से गरुड़ जी दैविक शक्तियों के ज्ञाता माने जाते हैं, जो कि नांग के शत्रु भी माने जाते हैं। और नांग जो आतंक का प्रतीक होता है, वही गरुड़ सृष्टि की बुराई को खत्म करने वाले माने जाते हैं। गरुड़ को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनके उड़ने की रफ्तार बहुत ही तेज है। यही नहीं, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग उनका वर्णन मिलता है। रामायण में भी उनका वर्णन मिलता है। जी हाँ, जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण पर नांग फांस अस्त्र चलाया था, तब उसकी काट किसी के पास भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह नांगों से घिरा हुआ एक भयानक अस्त्र था। कहते हैं उससे छुटकारा दिलाने स्वयं गरुड़ जी आए थे। अब बात करते हैं मृत्यु के देवता यमराज की, कि उन्होंने भैंसे को ही अपना वाहन क्यों चुना। यह अपनी शक्ति स्फूर्ति के लिए जाना जाता है। भैंसों को एकजुट रहना पसंद होता है, और उनकी शक्ति की बात की जाए तो वैसे तो बहुत ही शांत रहते हैं, और बिना मुसीबत के यह किसी पर वार भी नहीं करते। और अगर इन्हें क्रोध आ जाए तो बड़े से बड़े जानवर को भी धराशायी करने में इन्हें एक पल का भी समय नहीं लगता। यमराज भैंसा पर ही बैठकर लोगों के प्राण हरण करते हैं, और उनके भयानक रूप को ही देखकर आत्मा अपने शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। इसी प्रकार यमराज का भैंसा भी काल का ही प्रतीक माना जाता है। यानी कि अगर वह आपकी मृत्यु के लिए आपके सामने खड़ा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी बचा नहीं सकता। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली वाहन की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी है। इंद्र को ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के समय में मिला था। कहते हैं कि ऐरावत हाथी चार दांतों वाला हाथी है, जो कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष के बारे में बताता है। यह तेज बुद्धि और समझदारी वाला माना जाता है, क्योंकि यह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और जल को एरा कहा जाता है, इसीलिए इसे ऐरावत हाथी कहा गया है। हाथी की शक्ति की बात अगर की जाए तो यह बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं, और कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल स्वयं देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी में है। तो यही है देवताओं के सबसे शक्तिशाली वाहन। वहीं बहुत से ऐसे भी देवता हैं जिनके पास अलग अलग तरह के वाहन हैं।